हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको जानना है कि एट बैंड्स का फॉर्मूला क्या है, आप स्पीकिंग में कैसे ला सकते हैं, तो ज़रूर देखिए यह वीडियो। इसमें एट वर्ड्स हैं जो आपको ले जा सकते हैं एट बैंड्स की। और पहला वर्ड है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी एरा बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं या एपॉक बोलते हैं, जो आजकल मॉडर्न चल रहा है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मल्टीफेरियस। मल्टीफेरियस होता है डाइवर्स, वेरियस, न्यूमरस, इन्यूमरेबल, माइरेड, प्लॉथरा, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास एग्जूबरेंट। एग्जूबरेंट होता है एक्साइटेड होना, ऑन क्लाउड नाइन, ओवर जॉयड, बहुत खुश होना, गाला डे होना, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्विंटेसेंशियल। इंपॉर्टेंट वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वॉट एवर, उसके लिए क्विंटेसेंशियल वर्ड यूज़ कीजिए। नेक्स्ट इज रैम्पेंट इंक्रीज। रैम्पेंट इंक्रीज मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, अचानक से प्रोलिफरेशन, तो उसकी जगह पे रैम्पेंट इंक्रीज वर्ड होता है। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट, जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज होती हैं उसके लिए एफ्लुएंट वर्ड, वेल टू डू फैमिलीज होती हैं, एफ्लुएंट इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर दैट। नेक्स्ट इज सीरीन। सीरीन होता है शांत, काम, पीसफुल, जब आप सुखना लेख जाते हो, कोई भी क्यू कार्ड सुनाते हो जो बहुत ही शांत होता है, उसके लिए हम सीरीन वर्ड यूज़ कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ नोस्टैल्जिक। जब आप कहीं कुछ मिस करते हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्ड है। जब मैंने पुराना सॉन्ग सुना तो आई बिकेम नोस्टैल्जिक।